जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण की खुशी है, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो है कि बुध और शनि के साथ जो है ये नपुंसक ग्रह का जो बात जुड़ी हुई है वो उसका सही मायने में अर्थ है क्या। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, अति आभार है उस चीज़ का। और नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, जो मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि आपके जीवन में कभी भी हो, कोई एडवाइस लेनी हो आपको नौकरी के लिए, अपने मैरिज के लिए, किसी चीज़ के लिए भी पर्सनल कंसल्टेशंस आपको चाहिए जहाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अवश्य आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो आराम से, सरल तरीके से, बड़े स्पिरिचुअल तरीके से, वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन्हीं नंबरों पे और इन्हीं जो मेल इसी ईमेल पे, कोर्स के बारे में जानने के लिए और फीस के बारे में जानने के लिए। दोस्त तो बुध महाराज को जो है नपुंसक ग्रह कह दिया जाता है, और उसका अर्थ क्या है शास्त्रों में जो ये लिखा गया है इन दोनों को, शनि को और उनको। तो बुध की हम लोग पहले बात करते हैं। देखिए, किसी चीज़ के लिए नपुंसक शब्द का इस्तेमाल कर देने का मतलब ये नहीं होता है कि वो ग्रह में जो है काम की प्रवृत्ति नहीं है या बच्चा पैदा करने की उसके अंदर शक्ति नहीं है। यहाँ पे इसका ये मतलब तो कतई नहीं लिया गया है। देखिए, कभी कोई आदमी जब काम नहीं कर रहा होता है कोई, तो भी उसको जनरल वे में, अगर थोड़ा आप हार्ड वे में कहेंगे तो आप ये चीज़ कह सकते हैं। कोई कभी स्टैंड ना लेना किसी बात के लिए, तब भी आप ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बातों पे इधर से उधर डाइवर्ट होते रहना, तो भी आप ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। बहादुरी या हिम्मत ना दिखाना किस समय, तो भी आप ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों ग्रहों के साथ ये शब्द इसलिए जुड़ा है, ना कि इनका फिजिकैलिटी से किसी प्रकार का देखिए कोई अर्थ या मतलब निकल के आता है। उसकी कई कॉम्बिनेशंस बनती हैं, तब जाके आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, किसी जातक या किसी जातिका की पत्रिका में इस तरीके का योग बन रहा है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो रियल अर्थ में इसको नपुंसकता की तरफ लेके जा रहा है चीज़। आजकल के ज़माने में जो है सेम सेक्स की भी बात होती है, जहाँ पे गे हैं, लेस्बियंस हैं, इन सब की बात भी होती है, वहाँ पे भी ये जो है प्रासंगिक हो जाता है, ये वाला पॉइंट तब उसमें ज़्यादा हो जाता है। उसका देखिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कभी, तो उसके बारे में डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर इच्छा रही किसी की तो जानने की उसके बारे में। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, कहीं जातक मुझसे पूछते हैं जो अपनी कुंडली वगैरह दिखाते हैं कि इसका क्या संबंध है। तो देखिए, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। बुध की पहले अगर आप बात करें तो देखिए वो तीसरे और छठे स्थान का स्वामी होता है। हमारी पत्रिका में काल पुरुष की कुंडली में जो है वो तीन काम स्थान माने गए हैं। काम त्रिकोण जिसको कहा जाता है, वो तीसरा घर है, सातवां घर है और ग्यारहवां घर है। तीसरा घर आप जानते हैं, वहाँ मिथुन राशि पड़ती है। तो जिस भी ग्रह की वहाँ पे काम त्रिकोण में जो है उनकी राशि पड़ रही हो, पहले आप समझ सकते हैं कि क्या उनका काम से अर्थ नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। काम कहीं मान लो का डिज़ायर है तो उसमें कहीं ना कहीं फिजिकैलिटी भी आती है। काम जो है वो आप उससे हम लोग जोड़ के देखते ही देखते हैं। कई प्रकार की और इच्छाएं हो सकती हैं, उसमें से एक ये भी इच्छा होती है। तो मतलब बुध देव की एक राशि तीसरे स्थान में पड़ती है, इसका मतलब उनका काम से अवश्य ही मतलब है। दूसरा, उनकी शादी हुई है इला देवी से, उनका पुत्र है पुरुरवा। तो किसी प्रकार से किसी भी पॉइंट में अगर आप देखेंगे
तो उनको आप नपुंसक ग्रह नहीं कह सकते हैं कि जिसमें किसी प्रकार की फिजिकैलिटी में कमी हो या कोई प्रॉब्लम हो। कुछ कुछ ऐसी राशियां हैं जहां पे बुध जाके बैठते हैं, वो एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं। वृश्चिक राशि एक ऐसी फर्टाइल राशि है, वहां बैठेंगे तो काफ़ी मेरे ख्याल से एग्रेसिव रूप में पैशनेट हो सकते हैं। बुध यहाँ पे पुत्र दे सकते हैं, तो पुत्र की प्राप्ति करवाते हैं लोगों को। तो कहने का अर्थ ये है कि बुध को इस चीज़ से जोड़ लेना कतई सही नहीं। दूसरा उनका एक और पॉइंट देखने का है कि भाई ठीक है, वो अपने बहुत फिक्स्ड नेचर पे नहीं रहते हैं, कि उनका ये पैशन से भी बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा घर गृहस्थी में इन्वॉल्व रहने का काम नहीं है। एक नेचर उनका जो है बड़ा लाइट हार्टेड है, बहुत प्लेफुल है उनका नेचर, तो बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं दिखाई पड़ते हैं कई चीज़ों में, बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं दिखाई पड़ते हैं मंगल और शुक्र और सूर्य की तरह इस चीज़ों को लेके। तो आप कभी आप जो है उस चीज़ में फॉल्टर कर सकते हैं कि बुध जो है उनकी वृत्ति जो है वो पैशन में या काम की तरफ, काम में प्रवृत्ति उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, वो किसी भी ग्रह के साथ हो सकता है। कोई ग्रह किसी के साथ बैठा हो, किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हो, ऐसी राशियों में बैठा हो, फिर काफी वर्गों में उनकी स्थितियां इसी तरीके से चल के आ रही हो, तब आप कह सकते हैं कि हाँ नहीं, ये इनका जो है दूर दूर तक पैशन से कोई वास्ता नहीं है, या हो सकता है ये पुत्र या पुत्री पैदा करने के योग्य नहीं है। तो वो कोई भी ग्रह हो सकता है, वो सिर्फ बुध ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बुध के लिए जो नपुंसक शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वो एक स्टैंड पे नहीं रहते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ वो करने में यकीन रखते हैं। किसी भी प्लैनेट के साथ बैठेंगे उसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं। उनका अपना एक मत नहीं है, उनकी अपनी एक बुद्धि नहीं है, इसीलिए उनको कोई साथ चाहिए। इसीलिए एडोलेसेंट ईयर्स जो होते हैं, जो हम लोग बढ़ रहे होते हैं टीन के बाद, वो वाले जो उम्र होती है, उस समय बुध का जो है सबसे ज़्यादा रोल प्ले होता है। उसी समय देखिए बच्चे बिगड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको कोई ना कोई साथ की ज़रूरत होती है, अच्छे साथ की ज़रूरत होती है, जहाँ पर जो है वो अपने जीवन को के सार्थकता की तरफ ले जाएं। तो बुध को अगर नपुंसक कहा जाता है, तो उसकी वजह, उसका कारण दूसरी चीजें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है संक्षेप में, थोड़े में, सिर्फ ये क्लियर करने के लिए कि बुध का कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि वो बच्चा पैदा करने में वो नहीं कर सकते हैं, या उनका किसी प्रकार से काम से, सेक्स से मतलब नहीं है। नहीं, उनका उस हर चीज़ से मतलब है। उनका विवाह भी हुआ, उनका पुत्र भी हुआ है, वो इस चीज़ की गारंटी भी करते हैं। तो जैसे उनका जो मैंने आपको बताया है नपुंसक शब्द उनके साथ जो जुड़ा है, वो इसलिए ही जुड़ा है जो मैंने आपको पीछे बातें बताई हैं दो चार के, स्टैंड ना लेना, बहुत पैशनेट ना रहना, अपना एक मत ना रखना, हर बातों में इधर से उधर चले जाना। तो इन सारी वजहों से उनको एक तरीके से नपुंसक का तमगा मिला है, जो जनरली किसी को भी किसी कार्य को सही तरीके से ना करने की वजह से मिल सकता है। दूसरे आते हैं शनिदेव। देखिए शनिदेव की भी वहीं से आप स्टोरी शुरू करिए कि शनिदेव की भी पत्रिका में वो 10वें स्थान के और 11वें स्थान के स्वामी काल पुरुष की कुंडली में है। 11वें स्थान के स्वामी शनिदेव भी बनते हैं, वो भी देखिए काम त्रिकोण है। शनिदेव को भी अगर आप काम से नहीं जोड़ रहे हैं, अगर नपुंसक उनको उस चीज़ के लिए कहा जा रहा है कि वो फिजिकल डिसेबल हैं, उनमें काम की शक्ति नहीं है या ऐसी बात है, तो देखिए वो भी कहना अनुचित है, क्योंकि आप देखिए काल पुरुष की कुंडली में 11वां स्थान उनको अलॉट किया गया है, इसका मतलब किस काम के लिए डिज़ायर किया गया है। कि सबको वो ये कहते हुए फिर रहे हैं कि आप एक ही तरफ डिज़ायर करिए अपने जीवन में, और वो डिज़ायर है वैराग्य की तरफ। ऐसा नहीं है, वैराग्य सब लोग नहीं लेते हैं अपने जीवन में। हाँ, उनका वहाँ पे ये रोल है। अगर डीप मीनिंग में जाएंगे काल पुरुष की कुंडली में, तो शनि सही में वैराग्य का कारक है। हजारों दुखों से, हजारों सुखों से निकालने के बाद जातक को या जातिकाओं को ये समझाते हैं कि असली जीवन में सुख है क्या, असली डिज़ायर होनी क्या चाहिए आप लोगों की। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो काम में जो है वो जुड़े हुए नहीं है,
उनकी भी देखिए विवाह हुआ है, उनकी धर्म पत्नियां हैं, शास्त्र में उनकी धर्म पत्नियों का नाम लेने के लिए कहा गया है। अगर शनि देवता रुष्ट होते हैं, ऐसा विधान है कि उनकी जो पत्नियां हैं आठ नाम उनके लेने, कंकणी और कलहप्रिय ये सब उनके नाम हैं। पुत्र हुए हैं शनि देव के, मांदी कुलिग्न ये सब पुत्र हुए हैं उनके। यहाँ पे देखिए शनि देवता को इसलिए नपुंसक कहा जाता है कि वो भी पैशनेट नहीं है इस चीज़ के लिए। जब उनकी पत्नी जो है उनके पास पुत्र प्राप्ति के लिए गई तो उन्होंने उनका जो है मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया, वो अपने तपस्या में लीन रहे कृष्ण की, और उनकी पत्नी रुष्ट होकर चली गई, उसकी वजह से उन्होंने उनको श्राप भी दिया यहाँ पे शनि देवता को। उसके बाद शनि देवता उनसे जाके क्षमा याचना भी उन्होंने करी, लेकिन श्राप श्राप था, लग चुका था उसके बाद कि जिसकी तरफ भी वो दृष्टि उठा के देखेंगे तो वो उनका विनाश हो जाएगा, और तभी से वो उनकी दृष्टि नीचे रहने लगी, वो किसी को नहीं देखते थे उसकी वजह से। लेकिन देखिए यहाँ पे शनि को नपुंसक इसलिए उनको इसलिए जोड़ा गया यहाँ पे कि देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया कि देखिए काम त्रिकोण के स्वामी हैं तो उनको ये कहना व्यर्थ है, दूसरा मैंने आपको बताया उनका भी विवाह हुआ, उनके भी पुत्र हुए। क्यों कहा जाता है कि देखिए वो भी बहुत ज़्यादा गृहस्थ में नहीं है, वो वैरागी प्लैनेट है, धर्म तपस्या इन चीज़ों में रहने वाले, एक डिसिप्लिन में काम करने वाले, उनका बहुत ज़्यादा काम से मतलब नहीं है। एक तरीके का आप मान सकते हैं कि वैराग की तरफ उनका ज़्यादा मन या मत रहता है, तो इसलिए भी उनको उदासीन मान लिया जाता है, दुख से जुड़े हुए हैं इसलिए उनको जोड़ लिया जाता है कि भाई अब ये दुखी हैं, ये दुखी प्लैनेट हैं, तो एक तरीके से ये क्या सुख प्रदान करेंगे, कोई सुख नहीं प्रदान करेंगे, तो इसका मतलब है काम का भी सुख नहीं प्रदान करेंगे, जो कि कतई गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं उसकी एक और भी पॉइंट है, तुला राशि में जाके जो शनि देवता हैं वो उच्च के हो जाते हैं। अब तुला राशि जो है आप देख लीजिए रिलेशनशिप की राशि है, मिलन की राशि है, यहाँ पे हर प्रकार का मिलन, हर प्रकार का रिलेशनशिप्स, वो मिलन किसी भी तरीके का हो सकता है, आदमी और स्त्री के संबंध के साथ साथ हजारों रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, वहाँ पे जाके वो उच्च के होते हैं, वो प्रसन्न फील होते हैं। अब अगर नपुंसक ग्रह शनि उस लिहाजे से होते, जिस लिहाजे से उनको लिया जाता है या उनके बारे में बात करी जाती है, इसलिए तो एक बात बताइए, कभी भी जो सेवेंथ हाउस में जो है काल पुरुष की कुंडली का तुला राशि, वहाँ पे जाके क्या कभी वो उच्च के होते, कभी भी नहीं होते, क्योंकि उनको प्रसन्नता मिलती है, दीर्घकालिक रिलेशनशिप की गारंटी है एक्चुअली। वो तो हर प्रकार का कर्म नियम संयम धर्म पालन मानने वाले हैं, वो दूर तक रिश्ता निभाने वाले हैं जब निभाते हैं। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि वो इन चीजों से ज्यादा काम, एक डिसिप्लिन वर्क, जीवन में क्यों आए हैं, मर्म समझना, सुख दुख के फेर से निकलना, वैराग्य की तरफ रखना, अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ते रहना, आदमी को उधर जातक को बढ़ाते रहना अपने जीवन में। देखिए टेंथ हाउस के प्लैनेट है, कर्म से जुड़े हुए हैं हमारे, तो कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं जीवन में, उस तरफ रखना, इसलिए उनको उदासीन मान लिया जाता है कि भाई ये वैराग्य देने वाले हैं, उदासीन हैं, बुजुर्ग हैं, स्लो हैं, इनमें क्या पैशन होगा, इनमें क्या नयापना हो सकता है, उनको इसलिए नपुंसक कह दिया जाता है आजकल के परिपेक्ष में जो लिया जा रहा है उनको, कि भाई आपके सातवें स्थान में अगर शनि बैठ गए या बुध बैठ गए तो ये पत्रिका में ये नपुंसक योग बन गया, अब ये काम के लिए अच्छा नहीं है, ये उसके लिए अच्छा नहीं है, कतई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हजारों लाखों कुंडलियाँ ऐसी हैं जहाँ पे बुध और शनि साथ में बैठे हुए हैं और उनकी पत्रिका में जो है काम भी है, विवाह भी है, पुत्र भी है, पुत्री भी है, सब कुछ है, पैशन भी है, हर प्रकार की चीज़ें हैं। हाँ देखिए ये एक कनेक्टिविटी होती है, एक के बाद एक जो चली जा रही होती है, जो आप लग्न कुंडली में भी देखेंगे वही क्राइटेरिया चल रहा है, नवमाशा में भी देखेंगे वही क्राइटेरिया चल रहा है, फिर और चार्ट्स में जाके देखेंगे D60 तक जाएंगे यही क्राइटेरिया चल रहा है इन प्लैनेट्स का,
तब देखिए किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर वो इंगित अवश्य करेंगे। यहाँ केतु जुड़ जाएगा उनके साथ, जो एक अलग तरीके का डिटैचमेंट देता है, वैराग्य देता है। लेकिन केतु भी देखिए वो हमारी लाइनेज को बढ़ाने वाला कहा गया। केतु इज नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ, केतु किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है हमारे जीवन में, लेकिन वो पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सुंदर ग्रह है, क्योंकि उनका एक एजेंडा है, धर्म आगे बढ़ता रहना चाहिए, परिवार आगे बढ़ता रहना चाहिए, नहीं तो मोक्ष किसको दिलवाएंगे वो। अगर वो मोक्ष के ही प्लैनेट है तो मोक्ष पाने के लिए भी तो लोग होने चाहिए। केतु का एक एजेंडा है, पुत्र प्राप्ति होनी ही चाहिए। वो साधुओं की तरह बिहेव करते हैं कि भाई हाँ, आपस में विवाह हुआ, मिलन हुआ, तो पहले जमाने में जो हुआ करता था कि ऋषि लोग विवाह किया करते थे, किस लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए, कि हमारा कुल आगे बढ़े, वंश आगे बढ़े, धर्म आगे बढ़े, प्रभु का नाम लेने वाला हमेशा जिंदा रहे। केतु का ये एजेंडा होता है तो उनको फिजिकैलिटी के साथ नहीं जोड़ा जाता है। इन लोगों की कॉम्बिनेशंस हो जाएं या आगे रिपीटेटिव होती रहें, यही चीज़ें नवमाशा में भी हो रही है, D7 में भी हो रही है, सप्तामशा में भी यही चीज़ मतलब हो रही है, तब आप देखिए एक कोई पैटर्न चल रहा है, तब आप किसी की पत्रिका में कह सकते हैं कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं से आपको अपने जीवन में जो है काम की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, स्त्री सुख नहीं रह सकता है, या आप हो सकता है किसी ना किसी वजह से एलिजिबल ना हो, उस चीज़ की वजह से लड़ाई झगड़े हो जाएं आपके, किसी चीज़ की वजह से आपका ध्यान कभी किसी और चीज़ की वजह में भी हो सकता है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि देखिए बुध जो है नपुंसक ग्रह, इसलिए भी कहा जाता है कि काल पुरुष की कुंडली में उसका छठा स्थान बनता है, जो रोग ऋण झंझट इसका भी होता है। कभी कभार क्या होता है, बुध से रिलेशन में काफी प्रकार की हमको मेंटल इलनेसेस हो जाती हैं। दिमाग से रिलेशन में हमारी जो परिपक्वता है या स्ट्रांगनेस है वो नहीं रह पाती है। जो मेरी बात समझ रहे हैं वो जान रहे होंगे कि देखिए फिजिकल अट्रैक्शन जो है अवश्य जो है शारीरिक या संबंधों का नाम दिया जाता है, लेकिन देखिए माइंड इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज़ में। तो आप ये अवश्य मान के चलिए, कई बार क्या होता है, बुध क्योंकि एक जगह स्टैंड नहीं लेता है, और किसी बीमारी की वजह से अगर कोई उसके अंदर बुध कहीं से पत्रिका में वीक है किन्हीं चीज़ों को लेके, और अगर वो कहीं सेवेंथ हाउस से या सप्तमेश से रिलेशन में कर रहा है ये चीज़, तो हो सकता है किसी बीमारी की वजह से आपको इस चीज़ का सुख ना उठा पाए। लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि आप उसको ये कह देंगे कि वो नपुंसक ग्रह है तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता या शादी नहीं हो सकती। ये कुछ वजहें हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं। शनि के साथ भी देखिए और एक बात जुड़ी हुई है, लॉन्ग लास्टिंग किसी को दुख दे रहे हैं, बहुत परेशानियां उनके जीवन में चल रही हैं, उनका क्या अर्थ रह जाएगा एक सेक्सुअल एक्टिविटी में या किसी चीज़ों में, वो क्यों वो जातक या जातिका उसमें लग पाएंगे जब खाना नहीं है, पैसा नहीं है जीवन में जीने के लिए, शनि कॉन्स्टेंटली किसी को दुख देते जा रहे हैं, और वो सप्तम स्थान के स्वामी से रिलेट कर रहे हैं और प्लैनेट्स की प्रॉब्लम के साथ और खराब नक्षत्रों में बैठ के, तो लॉन्ग लास्टिंग एक दुख दिए जा रहे हैं इसलिए वो उनको ये कह सकते हैं। आप ये शब्द सुनने को मिल सकता है कि इनका कोई घर परिवार नहीं है, या ये नपुंसक जैसे बिहेव करते हैं, अरे इनको अपने परिवार की कोई चिंता नहीं है या कोई सुख नहीं देखते हैं आपस में, भाई कैसे देखेंगे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए देखिए ये पॉइंट्स की वजह से उनको इस बात के लिए कहा गया है नपुंसक ग्रह, ना कि ओरिजिनली वो ये बात मीन करते हैं कि शनि और बुध जो है बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं या शादी नहीं उनकी होती है या कुछ इस तरीके की बातें हैं। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता था, आशा है अवश्य आप समझे होंगे इस वीडियो के द्वारा। और आपके जो भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से संबंधित मुझसे अवश्य पूछिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर देने की कोशिश अवश्य करूँगा। जय श्री कृष्ण।